हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे और एक नए वीडियो में। आज मैं दिखाने वाला हूँ अपने गांव का काली मंदिर, जो बहुत ही पुराना मंदिर है। तो उसको दिखाते हैं आज और गांव घुमाते हैं आपको, दिखाते हैं गांव का मंदिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ गया अपने गांव के काली मंदिर में, और मेरे साथ आया ये भाई। हेलो, नाम मंदीप, नाम भूल जाता हूँ मैं कभी कभी इसका, तो रेगुलर नहीं रहता है मेरे साथ, कभी कभी आता है। तो मैं आ गया आज मेरे गांव के मंदिर में, जो है काली मंदिर टेंपल, और यहां पे शिव जी भी हैं। तो दिखाते हैं आपको मंदिर घुमा के, और देखिए वीडियो को, वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। काली मंदिर जो बहुत ही पुराना है, और ये खेतों के बीच में, गांव यहाँ से काफ़ी दूर में है, आधा किलोमीटर के दूरी में है, और यहाँ पे है काली मंदिर खेतों के बीच। तो दिखाते हैं आपको मंदिर घुमा के, और दर्शन कीजिए काली मैया का, और वीडियो को लाइक कर देना वीडियो सही लगे तो। ये है काली मैया का मंदिर, और इधर है बड़ा सा एक बरगद, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भगवान के मूर्ति है कुछ। आइए दिखाते हैं यहाँ पे। ये है बरगद का पेड़, जो देखिए बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ है यहाँ पे, और कुछ भगवान की मूर्तियाँ है यहाँ पे, शेरावाली, और ये है लक्ष्मी मैया का भी एक शिवलिंग है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मंदिर है यहाँ पे, काली मैया का मंदिर, और ये जामुन का पेड़ है बहुत बड़ा सा, यहाँ पे सब बच्चे आते हैं जामुन वामुन खाने यहाँ पे, और ये बैठने के लिए लगा रखे हैं सब ग्राम प्रधान लोग जो हैं, बैठने के लिए यहाँ पे सीटें भी सब लगा रखे हैं, बाहर से जो आते हैं यहाँ पे बैठते हैं, पूजा वूजा करते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं अब शिव जी का शिवलिंग। दोस्तों यहाँ पे जहाँ काली मैया का मंदिर है, उसके पीछे है शिवलिंग, शिव जी का वो शिवलिंग है यहाँ पे। तो आइए और दिखाते हैं शिवलिंग को। ये देखिए, ये है शिव जी का मंदिर, यहाँ पे सभी लोग आते हैं और पूजा करते हैं, और यहाँ पे दूध केला चढ़ाते हैं, यहाँ पे दूध और केला भी इस पेड़ के नीचे चढ़ाते हैं नागदेवता को, जो नागदेवता को दूध और केला खिलाते हैं, और दूध खिलाते हैं तो यहीं पे चढ़ाते हैं उनको। और बाकी दिखाते हैं आपको मंदिर का नज़ारा। ईट वीट जो मन्नत करते हैं वो बांध के जाते हैं यहाँ पे, मन्नत पूरा होने के बाद खोलते हैं और अपना मन्नत पूरा करते हैं। ये देखिए फूल का पेड़ है छोटा सा, और ये आम के पेड़ हैं कुछ, जामुन के पेड़ हैं, और वो सामने है बरगद का पेड़। और यहाँ पे बहुत ही शांत माहौल है, मतलब कोई अगर अकेला बैठना चाहता है, कहीं अकेला जाना चाहता है, तो यहाँ पे आ सकते हैं, दिल खुश हो जाएगा, और बहुत ठंडा ठंडा हवा चलता है यहाँ पे। तो आप भी यहाँ पे ऐसे ही कहीं अगर मंदिर वंदिर है तो वहाँ पर जा सकते हैं, और यहाँ पर भी बहुत ही शांति है, मंदिर इलाके में बहुत शांत होता है। दिखाते हैं आपको वीडियो, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ये है बेल का पेड़, जो बेल के पत्ते शिव जी को चढ़ाते हैं, वही पेड़ है ये।
दोस्तों ये देख रहे हैं, ये है बैठक रूम। अगर अचानक से बारिश बारिश आ जाए तो यहाँ पे आप अपना सिर छुपा सकते हैं, भीगने से बच सकते हैं। और ये है बरगद का पेड़, ये जामुन का पेड़, और ये है पास ही में मंदिर। 1988 में इसको बनाया गया था, इस मंदिर को। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और ऐसे ही वीडियो मैं डेली लाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।